हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। जय श्री राम दोस्तों। और आज मैं आपको जो है अपने घर का होम टूर कराने वाली हूँ। और काफी टाइम से जो है मैंने आपको अपना घर नहीं दिखाया है, क्योंकि पिछले साल ही दिखाया था। उसके बाद जो है दीपावली के बाद थोड़ा सा वाइट वॉश हुआ, उसके बाद घर में थोड़ा सा बदलाव किया। तो शुरू से ही मैं बनाऊंगी, जो एंट्रेंस हमारा गेट है वहीं से मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये है मेरे घर का सबसे मेन गेट, और मैं बाहर से ही आपको बनाती हूँ वीडियो। ये देखिए, ये है हमारा मेन दरवाजा। तो यहाँ से देखिए, मैं दिखाऊँ, ये देखिए, ये है हमारा मेन दरवाजा यहाँ से। और नीचे को जो है हमारी सीढ़ियाँ जाती हैं, यहाँ से देखिए, वो नीचे जो आप देख रहे हैं वहाँ से, वो हमारी नीचे को स्टेयर्स है। ये देखिए नीचे को, और ये जो ऊपर को आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर को आप देख रहे हैं, ये ऊपर छत के लिए जो है रास्ता है। मेरा थर्ड फ्लोर है, तो ये जो है ऊपर के लिए रास्ता जाता है। और एक जो है घर यहाँ पर है अपोजिट में, यहाँ पर एक घर यहाँ है, और ये मेरा मेन गेट है। यहाँ से आप देखिए, ये है मेरा मेन गेट, ये है मेरा मेन गेट। और देखिए वेट कर रहा है कोई हमारा, देखिए माया बैठी है अंदर हमारे स्वागत के लिए। वो देखिए छोटी सी, ये देखिए ये माया है हमारी, ये बैठी है यहाँ पर हमारे स्वागत के लिए। तो चलिए चलिए हम अपने घर की ओर। और मेरा छोटा सा घर है, तो मैं गेट ओपन कर लिया है, ये देखिए। और ये फैन बैठा हुआ है, ये देखिए वो अभी चले गए हैं। तो यहाँ से शुरू कर रही हूँ, तो गेट को यहाँ से मैं कर रही हूँ शुरू। तो ये मैं बैक कमरा कर देती हूँ, ये है हमारा मेन गेट। तो ये है हमारा यहाँ से मेन गेट, ये है, और ये लकड़ी का हमारा दरवाजा। और उसके बाद बिल्कुल यहाँ से जो है, ये जो मेन दरवाजा है, यहीं से जो है हमारा रसोई घर शुरू हो जाता है। तो मेरा रसोई जो है बहुत छोटा है दोस्तों, और किसी भी प्रकार का कोई मॉडलर काम नहीं है। बस ये जो है कबर्ड बनाए हुए हैं मैंने यहाँ पर, और उसके अलावा जो है मॉडलर किचन वगैरह नहीं है, बस सिंपल इसी तरीके का है। ये देखिए इस तरीके से डिब्बे मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, ये देखिए यहाँ पर, ये इस तरीके से बस, और इस तरीके से इसको बंद कर देते हैं। तो ये कोई मॉडलर किचन नहीं है मेरा। और यहाँ पे जो है गैस पाइपलाइन लगी हुई है, पहले तो मैं सिलेंडर ही यूज़ कर रही थी, और कुछ पिछले दीपावली में जो है ये मैंने लगवा लिया, तो अभी कनेक्शन लगा दिया है। तो यहाँ पर जो है ये हमने गैस पाइपलाइन लगा दिया। यहाँ पे मेरा गैस चूल्हा है, और यहाँ पर ये जो है मेरा स्टैंड है जिसमें दालें वगैरह, सॉरी तेल और ये मसाले और चाय पत्ती चीनी यहाँ पर रखी रहती है। और यहाँ पर मेरा बर्तन वाला है, यहाँ पर जो है मेरा टोकरी है बर्तन वाली, यहाँ पर ये विंडो है हमारी, ये देखिए। और ये नीचे यहाँ पर ये मेरा बर्तन का स्टैंड है यहाँ पर, और यहाँ पर ये है, तो बहुत छोटा सा। अब रसोई से निकलते हैं हम बाहर, और यहाँ पर ये मेरा वॉशरूम है, एक ही वॉशरूम है यहाँ पर। और ये देखिए अब हम आ रहे हैं अपने ड्राइंग रूम में। तो यहाँ से देखिए, ये हमने यहाँ था हमारा वॉशरूम, और ये है यहाँ पर इस तरीके से एंट्रेंस। ये मेरे ड्राइंग रूम का दरवाजा है, मतलब यहाँ से एंट्रेंस है। ये मैंने पर्दे लगा रखे हैं नेट वाले, ये देखिए अच्छे रहते हैं ये वाले पर्दे। तो ये नेट वाले यहाँ पर मैंने दो पर्दे लगाए हुए हैं एंट्रेंस में ही। और यहाँ पर मैंने अपना फ्रिज रखा हुआ है स्टार्टिंग में ही यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने इन्वर्टर लगाया हुआ है, ये देखिए। और ये मैंने किया है, तो ये सारी ही इस बार जो है ये स्विच वगैरह जो है सारी ही चेंज कर दिए थे, दीपावली के टाइम पर किया था दोस्तों। उसके बाद मैं वीडियो नहीं शेयर कर पाई आपसे। और ये जो है ये सामने का वॉल है मेरा, तो ये देखिए इस तरीके से ये वॉल हमने बनवाया है। अगर जिन मित्रों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, तो मेरे ड्राइंग रूम में ग्रीन कलर हुआ हुआ था, लेकिन अब जो है इस तरीके से ये लाइट पिंक कलर कराया है। और यहाँ पर ये रखा हुआ है, और ये मेरा यहाँ पर सोफा रखा हुआ है। ये जो सोफा है ये बहुत ही पुराना है मेरा सोफा, बैम्बो वाला जो सोफा है वो है ये। तो ये बहुत काफ़ी पुराना है, लेकिन अच्छे से चल रहा है, बहुत ही मजबूत है। और ये है हमारा कांच का सेंटर टेबल, और यहाँ पर भी जो है दो कुर्सियाँ यहाँ रखी हुई हैं, और दो इस तरीके से सीनरी यहाँ लगाई है। ये मेरे साईं जी हैं, थर्सडे है तो साईं जी का दिन है, ये मेरे साईं जी हैं। और यहाँ पर ये हमारी काफ़ी बड़ी विंडो है, बहुत धूप आती है इसमें, मेरे विंडो में बहुत तेज़ धूप आती है। तो ये हमारी सामने विंडो है, ये विंडो भी मैंने चेंज कराई है फ्रेंड्स, क्योंकि ये पहले लोहे की विंडो थी यहाँ पर, जो पुराने मकान होते थे तो उस तरीके की लोहे वाली विंडो थी, बिल्कुल खराब हो चुकी थी। तो जब से इस घर में आए थे, तो कोई भी काम मैंने नहीं किया था जैसा था, बस हमने शिफ्ट कर लिया था इस घर में। और पूरे 6 साल बाद जो है इस काम को करने का नंबर आया, ये विंडो वगैरह चेंज करने का। और ये पूरे 5 या 6 साल बाद ये वाइट वॉश हुआ है मेरे घर में, और ये विंडो पूरा इस तरीके से चेंज कर दिया मैंने, और अब जो है देखने में थोड़ा ठीक लगता है। यहाँ पर देखिए ये कबर्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम जो है अपने कपड़े वगैरह रख लेते हैं। यहाँ पर पहले मैंने मंदिर बनाया हुआ था यहाँ पर, क्योंकि कोई जगह नहीं थी ना, मंदिर नहीं था मेरे पास में, तो यहीं पर मैंने अपना मंदिर बनाया था, लेकिन अब मैंने मंदिर नया ले लिया है, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो ये मैंने आपको दिखाया अपना ड्राइंग रूम, माया यहाँ पर बैठी हुई है। तो ये मेरा ड्राइंग रूम है, ये देखिए ये है मेरा ड्राइंग रूम, यहाँ से आप देखेंगे तो ये है हमारा ड्राइंग रूम। ये मैं आपको अपने कमरे के दरवाजे से दिखा रही हूँ, ये देखिए ये है मेरा ड्राइंग रूम, यहाँ से ड्राइंग रूम, वहाँ से हमारी एंट्रेंस हुई, वहाँ हमारी रसोई है, वहाँ एक ही वॉशरूम है मेरा, दो वॉशरूम नहीं है, एक ही सिंगल वॉशरूम है। और यहाँ से हमने एंटर किया था, ये देखिए यहाँ से हमने एंटर किया था, वो मेरा रसोई घर, वहाँ पे हमारा बाथरूम, और ये मेरा ड्राइंग रूम, ये देखिए यहाँ से ये मेरा ड्राइंग रूम है, ये देखिए। अब ड्राइंग रूम के ही बिल्कुल सामने मेरे दो कमरे हैं, छोटे छोटे हैं, बड़े नहीं है। पहले मैं आपको ये वाला कमरा दिखाती हूँ, ये देखिए ये है हमारा। तो यहाँ से हमने एंट्रेंस करी, और यहाँ पर हमारा कमरा, तो ये इस तरीके से एक बेड लगाया हुआ है हमने, और वहाँ पर एक विंडो मेरी वहाँ पर है, ये देखिए, और एक अलमीरा मेरी यहाँ पर है, ये देखिए। यहाँ पर हमने वॉल में ब्लू कलर करवाया है, ये ब्लू कराया है, और सामने वाले में क्रीम कलर कराया है, तो ये मैंने करवाया है। और यहाँ पर ये देखिए मेरा मंदिर है, मेरे पास मंदिर नहीं था, तो ये मैंने मंदिर खरीदा है, दीपावली में ही खरीदा था दोस्तों मैंने, तो अब इस मंदिर में ही मैं पूजा पाठ करती हूँ। तो ये मेरे मंदिर लेना था, काफ़ी लंबे समय से जो है बना हुआ था, लेकिन नहीं ले पा रही थी, लेकिन अब जो है दीपावली में 2023 में मैंने ये मंदिर अपना लिया है। यहाँ पर ये पूजा की मैट रखी हुई है, एक अलमारी मैंने यहाँ पर रखी हुई है अपनी, और ये देखिए ये है मेरा
छोटा सा मंदिर। और ये हमारी दुर्गा जी हैं, ये देखिए राधा कृष्ण हैं, ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये सवारी, ये मैं लाई थी हिमाचल से वहाँ से। और ये देखिए हमारे लक्ष्मी जी, गणेश जी, और ये छोटे से हमारे राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी, ये है मेरा मंदिर। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे रूम की तरह। यहाँ पर ये एक कूलर रखा हुआ है मैंने अपनी गुड़िया रानी के लिए, और यहाँ पर वो पढ़ाई कर रही है। ये भी स्टडी टेबल उनके लिए चाहिए था, मेरा दूसरा पुराना वाला बहुत ही टूट फूट गया था तो एक नया ये ले लिया है। यहाँ पर ये कबर्ड है, इस तरीके से बैग वगैरह अपने रख देती है, कुछ खाने पीने का सामान, यहाँ पे अपनी बुक्स। तो ये है एक कमरा यहाँ पर, और ये यहाँ से इस तरह दिखाई देता है कुछ, ये देखिए ये है, ये हमारा एक रूम छोटा सा यहाँ पर ये है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे रूम की ओर। तो दूसरा रूम तो कई बार मैंने अपने शेयर किया है, यहाँ पर ये जो सू रैक रखा हुआ है वहाँ पे ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है मैंने, ये हमारा बेड है, ये भी बेड बहुत पुराना है मेरा, शादी के समय का बेड है ये। यहाँ पर ये माया रानी है बैठी हुई है यहाँ पर, ये देखिए। तो यहाँ से हमने एंट्रेंस लिया, यहाँ पर हमने टीवी रखा हुआ है, टीवी हमने बेडरूम पे ही लगाया हुआ है अपना। तो ये टीवी भी अभी खरीदा गया था दीपावली के समय में ही, तो पुराना टीवी मेरा बहुत पुराना हो चुका था, 20-22 साल पुराना, और बिल्कुल ख़राब हो चुका था, तो ये नया टीवी जो है लेना पड़ा। और यहाँ पर ये भी विंडो हमने चेंज कराई थी, इसमें भी जो पुरानी वाली विंडो होती है लोहे वाली वो लगी हुई थी, तो अब ये न्यू विंडो यहाँ पे लगी है। काफ़ी बड़ी विंडो है, धूप बहुत आती है यहाँ से। और यहाँ पे हमने एसी लगाया हुआ है अपना। और ये देखिए ये मैंने कुछ प्लांटर बना रखे हैं जो कि आपको अंदर की विंडो से दिखाई दे रहे हैं, ये विंटर के फ्लावर प्लांट लगा रखे हैं मैंने। और ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये सारे पेंट के डिब्बे हैं जो व्हाइट वॉश के दौरान मेरे घर में बचे थे, वो सारे पेंट के डिब्बे हैं, उनमें मैंने देखिए ये प्लांटर बना के इस तरीके से जो है सर्दियों के प्लांट लगा रखे हैं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं प्लांटर बना के, और इनमें काफी अच्छे फ्लावर भी आते हैं, अभी मैं आपको बालकनी भी दिखाऊंगी अपनी। और यहाँ पर ये मैंने येलो कलर कराया था दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे एक वॉल में आप देखेंगे तो डार्क येलो कलर है, और एक इसमें ये लाइट येलो कलर है, ये देखिए दोनों, ये है हमारा डार्क येलो और यहाँ पे है ये लाइट। तो इस तरीके से ये रूम है हमारा, ये देखिए बहुत छोटा है, ये देखिए यहाँ पर से ये है हमारा रूम इस तरीके से। और तो ये है हमारा बेडरूम, और यहाँ पे ये हमारी विंडो। तो यहाँ पर जो है ये लगे हैं पर्दे ब्लू कलर के मैंने, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज धूप आती है, तो ये हमारा अब बाहर जाने का रास्ता है, यानी बालकनी का रास्ता है। तो यहाँ से ये देखिए ये है हमारा छोटा सा ये कमरा बेडरूम, ये देखिए यहाँ पर ये माया रानी बैठी हुई है। और यहाँ पर ये अब हम चलते हैं अपनी बालकनी की ओर, आपको आज अच्छे से अपना ये देखिए ये है मेरा छोटी सी मेरी बालकनी, ये देखिए यहाँ पर एसी लगा हुआ है, यहाँ पर ये बालकनी बहुत छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और ये है हमारा गेट, ये देखिए यहाँ पर ये है हमारा गेट बाहर का, ये देखिए। और ये है मेरे कुछ प्लांट्स, ये देखिए विंटर के प्लांट है जो मैंने विंडो में लगाए हुए हैं, ये देखिए ये है हमारी विंडो, और इस विंडो में मैंने लगाए हैं प्लांटर, ये देखिए ये सारे वेस्ट मटेरियल से बनाए हुए प्लांटर हैं, देखिए इनमें खूबसूरत से फ्लावर भी आए हुए हैं। यहाँ पर ये देखिए चार प्लांटर बनाए हैं, ये देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं फ्लावर, ये भी देखिए गजानिया के प्लांट है, गजानिया इंडेंथस, ये देखिए ये है मेरी छोटी सी बालकोनी, ये माया के कपड़े। तो अब हम चलते हैं अंदर की ओर, ये बैठी हैं यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए मैं अंदर आ गई हूँ, और ये आ गई है हम अपने ड्राइंग रूम में। तो ये थी फ्रेंड्स आज की मेरी होम टूर की वीडियो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स।